रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं सब भी दोस्त खैर से होंगे। रहीम बादशाह भाई आए हमारे फार्म पे हंगूस है और भाई ने माशाल्लाह 50 बकरियां ली हैं जिसमें राजनपुरी अब्लाक बीतल मक्की चीनी सारी हैं। और ये जो भाई बकरियां लेके जा रहे हैं इनको सेल करेगा हंगू में, तो भाई से पूछते हैं तो भाई अपनी पूरी लोकेशन भी बताएँगे, इसको माल कैसे मिला, कब हमारे पास पहुँचे थे। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई, क्या हाल है आपका? अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट तो मैं बताएं दोस्तों को कैसा माल मिला, आप कैसे हमारे फार्म पे पहुंचे हैं? भाई बस हम तो ये साथियों ने देखा था वो मोबाइल पे फेसबुक पे सजावल भाई के साथ बात हुई थी, वो आया ना, ना। हम आ गए उधर, इधर हम पहुंच गए डेरा गाजी खान। तो ये बकरी माशाल्लाह तकरीबन 50 अदद हैं, ये कुछ मुख्तलिफ बकरियाँ हैं इस माशाल्लाह खरीद रहा है, हमारे साथ बहुत हेल्प किया है उन लोगों ने। और जो यहाँ जो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, इंशाल्लाह हर किस्म की बकरी हाँ मिल जाती है सस्ते रेट पे। जी तो आपको किसी की टेंशन नहीं हुई पैसों की या किसी चीज़ की? कोई टेंशन नहीं है। हंगू से आप कितनी आगे बैठे हुए हैं? बस करीबन हंगू से हम करीबन ये 16-17 किलोमीटर दूर है। 16-17 किलोमीटर हंगू से, सही है। आप कब गए हमारे पास? इंशाल्लाह जल्द आएंगे इंशाल्लाह। नहीं आप कब गए, आज आए थे कल आए थे आप? नहीं कल 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 क्या आए हुए थे ना, कल आए। भैया ने 50 बकरियां ले ली हैं तो इनको आप बेचेंगे ना? हाँ इंशाल्लाह बेचने के लिए लेके जा रहे हैं, कुर्बानी भी इनको बेचेंगे क्योंकि उस साइड भैया बकरियां चलती हैं हमारे पंजाब के एरिया में, इधर बकरे ज्यादा चलते हैं ना, उधर के लोग ये बकरियां लेके अपने घर की कुर्बानी वगैरह करते हैं ना। ये पहले दूसरे सुबह वाली बकरियां हैं, दुआ करें लगभग इन भैयों के कारोबार में बरकत डाल है, अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह। भैया ने अच्छा काम सोचा और जबरदस्त काम है माशाल्लाह, खुद भी देख सकते हैं। अभी माशाल्लाह लोडिंग हो चुकी है, ठीक है, रस्सियाँ वगैरह लगा के जानवर लोड कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं हमारे फार्म की लोकेशन, ये देख रहे हैं माशाल्लाह 50 बकरियां भैया ने परचेजिंग की है। जी साबिर भाई, हाँ जी बताएं दोस्तों को कैसा माल मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, कोई टेंशन वगैरह किसी चीज़ की नहीं है माशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं, रहने जगने की जगह भी है और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, और सेल भी अच्छी है। अच्छा आपकी साइड में बकरी ज़्यादातर क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में? ज़्यादा बिकती है बकरी। अच्छा हम ज़्यादा बकरी ज़्यादा बिकते हैं। अच्छा आपके इलाके में बकरा सेल होता है? उस साइड जा रहे हैं माल, सही है, माल पठान लोग हैं ना वो भी? पठान ही हैं, सही हो गया। जो हंगू के इलाके वाले पठान लोग हैं ना वो बकरे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बकरा ही 2000 जो भी कुर्बानी हो, बाकी इधर के जो पंजाब के एरिया में ना इधर बकरा इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, उस साइड भी बकरी इस्तेमाल करते हैं कुर्बानी के लिए ना। तो दुआ के नाला पाकि भाइयों को नसीब करे जानवर। तो लोडिंग पूरी कर दी है, 3-4 बंदे हमारे पास आए थे कल के, तो लोडिंग भी कर दिए भैयों को, गाड़ी भी करा के दी है माशाल्लाह, 20 फुट गाड़ी करा के दी, इसमें 50,000 में सुकून से जाए, वैसे इसमें तो 70-75 जानवर आता है क्योंकि सुकून से जाएंगे जानवर, खुले होगा आराम से रिलैक्स होकर जाएंगे।